أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, today we are going to start a new topic that is the neurotransmission of the autonomic nervous system. What is autonomic nervous system? It is the motor division of the nervous system which is completely involuntary, which is not in our under control. We have already discussed the autonomic nervous system and its organizations. Now today we are going to start its transmission. कि एक न्यूरॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन किस तरह अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल तक ट्रांसफर करता है और जिसके थ्रू ये ट्रांसफर करता है वो केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं और उन केमिकल मैसेंजर्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय अ प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन एंड रिलीज्ड इन द सिनैप्स in the response of the action potential. ये pre-ganglionic neurons के अंदर बनता है और जब action potential होता है तो वो release करता है synapse में. Synapse क्या है? It's the junction between the two neurons. एक का nerve ending होती है axon terminals, दूसरे का dendrite होता है और उन दोनों के बीच के gap को कहते हैं synapse. उस synapse के अंदर, उस space के अंदर neurotransmitter को release करता है pre-ganglionic neurons. फर्दर रैपिड कम्युनिकेशन के लिए होता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर पैकेज्ड इनटू द सिनैप्टिक वेसिकल्स ऑफ द प्रीसिनैप्टिक साइड ऑफ सिनैप्स. मैंने पहले भी कहा कि जब ये सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज होने के बाद ये स्टोर्ड होते हैं स्पेसिफिक वेसिकल्स में जिनको हम सिनैप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं एक्सॉन टर्मिनल की एंड पर. Generally, there are two type of neurotransmission in the autonomic nervous system, depending upon the primary neurotransmitter. अब neurotransmission जो autonomic nervous system है उसको दो हिस्सों में divide किया हुआ है autonomic nervous system के neurotransmitter की बुनियाद पर. एक होता है cholinergic transmission, दूसरी होती है adrenergic transmission. What is cholinergic transmission? All those neurons which releases acetylcholine as a primary neurotransmitter. Please keep in your mind, as a primary neurotransmitter. जितने भी neurons हैं, जिनका primary neurotransmitter acetylcholine है, उन सबको cholinergic neurons कहा जाएगा और इस transmission को कहते हैं हम cholinergic transmission. अब ये कहाँ कहाँ पर होती है? All preganglionic neurons, whether it is the sympathetic nervous system or the parasympathetic nervous system. जितने भी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैं, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे कोलिनर्जिक इन नेचर होते हैं. दे रिलीजेस एसिटाइलकोलीन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. व्हाइल इन एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन कहां पर होती है? इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स. पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिनके अंदर एपिनेफ्रिन रिलीज होती है या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, उनको हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं और इसके ट्रांसमिशन को एड्रेनर्जिक कहते हैं. कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं पैरासिंपैथेटिक ट्रांसमिशंस में. कुछ सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशंस भी होती हैं, जैसे एड्रेनल मेडुला पे जो इनर्वेट करती है न्यूरॉन है तो सिंपैथेटिक की, लेकिन है क्या कोलिनर्जिक नेचर है. जो स्वेट ग्लैंड्स पर एक्ट करती है वो भी कोलिनर्जिक होती है. इनके अलावा जितने भी होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स, वो कोलिनर्जिक होते हैं, एड्रेनर्जिक होते हैं. लेट्स डिस्कस फर्स्ट द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. अब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को हम डिस्कस करते हैं. इससे डिस्कस करने से पहले इनके ट्रांसमीटर को डिस्कस करते हैं कि किस तरह इनका ट्रांसमीटर जो है एक केमिकल मैसेंजर है, वो सिंथेसाइज होता है, उसके बाद वो स्टोर होता है और कैसे रिलीज होता है और कौन कौन सी ड्रग इसको कहाँ कहाँ पे इनहिबिट करती है. लेट्स स्टार्ट इट्स सिंथेसाइज. एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होता है दो मालिक्यूल से, इसको कहते हैं एसिटाइल कोए, दूसरा कोलिन. एसिटाइल कोए जो सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज होता है, जबकि कोलीन ट्रांसपोर्ट इन होता है सेल मेम्ब्रेन से, बाहर से आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, वो आता है ट्रांसपोर्ट होकर सेल के अंदर कोलीन थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स.
जिनको एक ड्रग इनिबिट कर सकती है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है। जो कोलीन की ट्रांसपोर्ट है इट्स कॉल्ड द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन एंड इट कैन बी इनिबिटेड बाय अ स्पेसिफिक ड्रग कॉल्ड हेमिकोलिनियम। इसको यहां पर देख सकते हैं आप, ये हेमिकोलिनियम ड्रग है। हेमिकोलिनियम ड्रग that can inhibit the transport of choline. जब transport inhibit होगी तो there will be no synthesis. Synthesis inhibit होगी। अब ये synthesis जो हो रही है इसको catalyze कौन कर रहा है? Specific enzyme that is called the choline acetyl transferase. ये enzyme है जो acetyl CoA और choline को catalyze करता है, conversion करता है किसके अंदर? acetyl choline के अंदर। अब एसिटाइल कोलीन फर्दर ट्रांसपोर्ट होती है वेसिकल्स के अंदर, वेसिकल के अंदर जहां पर वो स्टोर होती है और तब तक स्टोर होती है जब तक कोई एक्शन पोटेंशियल ना हो, जब तक उसको रिलीज होने का मौका ना मिले या कोई ऐसे फैक्टर ना बने जिससे वो रिलीज हो, और जिसकी स्टोरेज को भी फर्दर इनहिबिट कर किया जा सकता है किसी ड्रग के साथ जिसको कहते हैं वेसामिकोल। Vesamicol is another drug that inhibits is the storage or the transport inside the vesicle, synaptic vesicles के अंदर इसकी transport को inhibit किया जा सकता है, specific drug Vesamicol। अच्छा, जब ये store हो जाती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब इसकी need होती है, इसको release होना होता है, वो एक response में release होते हैं। रिलीज कब होते हैं? एसिटाइलकोलाइन रिक्वायर्ड इंटरेक्शन बिटवीन वेसिकल एसोसिएट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर व्हिच इज इनेबल्ड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस अपॉन एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल होता है, जब कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, इनफ्लक्स होता है न्यूरॉन के अंदर, तो ये क्या करता है? ये कॉज करता है किस चीज को? इंटरेक्शंस को, किसके? वेसिकल एसोसिएट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के दरमियान और रिसेप्टर में साइनेप्टिक बर्बिन प्रोटीन्स होती है जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन काज करता है जिसकी वजह से ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाती है पहले हिस्से में मेम्ब्रेन के साथ और फर्दर एंट्री एक्शन पोटेंशियल की क्या काज करती है? इसको रिलीज करती है। इसको रिलीज करती है कहां पर? साइनेप्टिक वेसिकल्स में। जैसे ये synapse में रिलीफ होती है, synaptic cleft में रिलीज होती है, वहां जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनोरिसेप्टर्स, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलीन के लिए दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जो न्यूरॉन के अंदर होते हैं, साइनाप्स के अंदर होते हैं, वो निकोटिनिक इन नेचर होते हैं, आयनोट्रॉपिक टाइप रिसेप्टर्स होते हैं। वो जब एसिटाइल कोलीन बाइंड होती है तो फर्दर मैसेज को प्रोपेगेट करता है, ट्रांसड्यूस करता है मैसेज को पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के अंदर। अब जो इसकी रिलीज है वो किस तरह इनहिबिट की जा सकती है? थ्रू द स्पेसिफिक ड्रग बोटुलिनम टॉक्सिंस। अब बोटुलिनम टॉक्सिंस वो ड्रग्स हैं जो यहां से स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से एंट्री करते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स के अंदर, जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं उनके अंदर एंट्री करते हैं और इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करके इनके मेटाबोलाइज करते हैं और इनकी नेचर को चेंज करते हैं ताकि इसकी फ्यूजन को इनहिबिट कर सके। जब इसकी फ्यूजन इनहिबिट हो जाएगी वेसिकल्स की, तो ये रिलीज नहीं हो सकेगी। दूसरा, एसिटाइलकोलीन का एक्शन टर्मिनेट किस तरह होगा? अब एक्शन टर्मिनेट होगा थ्रू अ स्पेसिफिक एंजाइम एसिटाइलकोलीन एस्टरेज, जो एसिटाइल कोलीन को क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा कोलीन में और एसीटेट में, और यही कोलीन वापस से रिसाइकल हो जाएगी थ्रू दी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वापस कोलीन फॉर्मेशन हो जाएगी और एसीटेट फर्दर डिफ्यूज होके मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट हो जाएगी। Now come to the second transmission,
depending on the primary neurotransmitter, that is adrenergic transmission. अब एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन किस तरह होती है, इसके अंदर अब हम देखेंगे कि किस तरह नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसाइज होती है, स्टोर होती है और रिलीज होती है। वहां पर कोलीन ट्रांसपोर्टेन हो रही थी, यहां पर एक अमाइनो एसिड हो रहा है टायरोसिन। टायरोसिन इज अ टाइप ऑफ एन अमाइनो एसिड व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेन होता है या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है या एड्रेनर्जिक फाइबर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट इन होता है। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही वो पहुंचता है तो देयर इज एंजाइम कॉल्ड द टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज। टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइज करता है फर्दर इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में, जिसको हम डोपा कहते हैं। टायरोसिन ट्रांसपोर्ट इन हुआ, टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज एंजाइम विल हाइड्रोलाइज दिस टायरोसिन इनटू अ DOPA, dihydroxyphenylalanine. Further, DOPA will convert it into the dopamine. Dopamine में होगी decarboxylation होगी इसकी. Further, dopamine क्या होगी? Transport in होगी किसके अंदर? Vesicles के अंदर. जहाँ पर वो further norepinephrine में convert होगी. Hydroxylated होगी और norepinephrine में convert होगी. जहाँ पर वो store होगी. अब यहां पर दो ड्रग्स का जिक्र किया जाता है, मेटायरोसिन और रिजर्पिन। दो ड्रग्स हैं। मेटायरोसिन क्या करती है, मेटायरोसिन कैन इनहिबिट द टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज एंजाइम व्हिच इज आल्सो अ रेट लिमिटिंग एंजाइम और रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है एनर्जी सिंथेसिस के अंदर, जब टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर बाय द एक्शन ऑफ टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज। जब टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा टायरोसिन को डोपा के अंदर, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग है मेटायरोसिन। जब मेटायरोसिन एक्ट करेगी तो टायरोसिन हाइड्रोऑक्सीलेज को इनहिबिट करेगी, जो टायरोसिन की कन्वर्जन डोपा में नहीं हो सकेगी। सो वी विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन आवर प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। सेकंड वी हैव अनदर ड्रग रिजर्पिन, जो डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर एंट्री होने पर इनहिबिट करती है। जो टायरोसिन डोपामीन है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, वी कॉल देम वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर वीएमएटी। वीएमएटी क्या होते हैं, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो डोपामीन को ट्रांसपोर्ट इनसाइड वेसिकल्स करते हैं, वेसिकल्स के अंदर भेजते हैं। सेकंड साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एक और एंजाइम होता है, उसे कहा जाता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज MAO, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, जो कुछ पोर्शन को डोपामीन के कुछ पोर्शन को हाइड्रोलाइज करता है, इनएक्टिवेट करता है। सिर्फ डोपामीन को नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन को भी, और नॉरएपिनेफ्रिन को और डोपामीन के कुछ पोर्शन को इनएक्टिवेट कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे कहा जाता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। अगर कोई ड्रग हम एमओ इनहिबिटर इस्तेमाल करेंगे तो हम एडिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको इनहिबिट करेंगे इसकी एमओपी एक्टिविटी को। रिलीज डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स बाय द सेम कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिटाइलकोलीन। जिस तरह एसिटाइलकोलीन का मैकेनिज्म था, सेम वही मैकेनिज्म होगा, कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, और उसके रेस्पॉन्स में नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल्स जो है वो फ्यूज होंगी मेम्ब्रेन के साथ फर्स्ट, और उसके बाद वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। मेटाबॉलिज्म नॉट रिस्पांसिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ कैटेकोलामिन। जिस तरह वहां पर एसिटाइलकोलीन स्ट्रेस एंजाइम था जो मेटाबोलाइज कर रहा था एसिटाइलकोलीन को टेंशन टर्मिनेट के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो ट्रांसमीटर डिफ्यूज होता है या रीअपटेक होता है थ्रू अपटेक वन ट्रांसपोर्टर। अब यहाँ पर NET
अपटेक वन ट्रांसपोर्टर है जो नॉरएपिनेफ्रिन को वापस रीअपटेक करता है सेल के अंदर, वापस उसकी एंट्री करता है या वो डिफ्यूज होता है फर्दर डिफरेंट सेल्स के अंदर जहां पर वो मेटाबोलाइज हो जाता है। इसकी टर्मिनेशन एक्शन का यही होता है। Outside the cleft, these transmitters can be metabolized by MAO and catechol-O-methyl transferase. अब दो एंजाइम्स होते हैं, एक को MAO होते हैं जो outside the cleft, इस cleft के थोड़ा सा बाहर दो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं catechol-O-methyl transferase, दूसरा MAO, monoamine oxidase enzymes, जो norepinephrine को या dopamine को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उनके एक्शन को टर्मिनेट करते हैं, उनको डीनेचर कर देते हैं। अब कौन कौन सी ड्रग होती है यहाँ पर, अब उनको थोड़ा सा जिक्र किया जाए। एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन में नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा सकता है थ्रू द मेटायरोसिन, मेटायरोसिन जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। दूसरा हमारे पास इनहिबिट होती है इसकी स्टोरेज को, क्योंकि वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी तो वो वहां पर स्टोर होगी, उसकी वेजिकल ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक ड्रग है रिसेप्टिन, जिसका एग्जांपल दिया जाता है। इसकी रिलीज को इनहिबिट किया जा सकता है गोनेथिडीन। अब गोनेथिडीन का है वो सेम मैकेनिज्म के थ्रू जिस तरह बॉटुलियम टॉक्सिन था उसी तरीके से ये इन मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ इनहिबिट करेगा, इनको इंटरेक्ट करेगा और इसके फ्यूजन को इनहिबिट करेगा और इसकी ट्रांसपोर्ट रिलीज को इनहिबिट करेगा। These are the used treatment for the several disease, example hypertension, because they block sympathetic but not parasympathetic functions. Other drugs promote catecholamine release, example amphetamines, and predictably cause the sympathomimetic effects. अब sympathomimetic effects कौन कौन सी drugs provide करेंगी जो MAO inhibitors को और हमारे enzyme को जो norepinephrine को हाइड्रोलाइज करते हैं उनको इनहिबिट करेंगे तो हम सिंपैथोमिमेटिक एक्शन लेंगे। अगर कोई ड्रग जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को हाइड्रोलाइज करती है तो उनको हम सिंपैथोलाइटिक एक्शन करेंगे, क्योंकि वो सिंपैथेटिक एक्शन को इनहिबिट करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी तो वो जो ड्रग्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो, उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो, उनको हम सिंपैथोमिमेटिक कहेंगे। जो एक्शन को इनहिबिट करेंगे उनको हम सिंपैथोलाइटिक कहेंगे ड्रग्स को। कि बेटा आज के लिए इतना ही, प्लीज नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे कि हम फर्दर डिटेल में सिंपैथोमिमेटिक सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा वेरी मच।